Friends, now we are going towards to the exercise number 19, chemical kinetics, lesson number 4, subject chemistry. Friends, the question is, a first order reaction takes 40 minutes for 30% completion. Calculate half time period. दोस्तों क्वेश्चन पूछा है T1 half कितने का, तो फर्स्ट ऑर्डर का T1 half का फॉर्मूला 0.693 by K, सबको पता है फॉर्मूला, ओके, लेकिन ये न्यूमेरिकल में मुझको K का वैल्यू ही नहीं दिया है, तो सबसे पहले मैं K का वैल्यू कितने का फॉर्मूला कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर का, तो K is equals to 2.303 by T log of R0 by RT. Friends, ये फॉर्मूला है. Now, we have to first of all calculate K. Time T is given to how much? 40 minutes. What is the initial concentration? Again, आगे वाले सब में किया था ऐसे. Assume कर लो 100%. And how we can calculate the RT? तो 100 minus given percent. Given percent is कितना दिया है? 30% divided by 100 into initial concentration. Assume किया कितना 100? 100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्या दोस्तों 70. अब ये सब वैल्यू को आप इसके अंदर शिफ्ट करो तो इट बिकम्स 2.303. टी का वैल्यू है अपने पास 40 लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 70. एक एक जीरो कैंसिल हो गया, वापस दोस्तों वही स्टेज के ऊपर आ गए. सबसे पहले इसका डिवीजन और फिर लॉग, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेटर का. तो पहले 10 डिवाइडेड बाय 7 जो भी आंसर आएगा उसका लॉग देखेंगे कैसे. आपको याद है फिर से एक बार 30 टाइम्स रूट का बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माइनस 1 इनटू 3 5 5 8 इज इक्वल्स टू, तो 2.303 ये लॉग का वैल्यू है मेरे पास 0.1549 और टाइम है मेरे पास 40. इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा 2.303 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर आया 0.0089. ये आ गया किसका वैल्यू दोस्तों K का. टाइम कौन से यूनिट में था? मिनट. तो K का यूनिट होगा दोस्तों मिनट इनवर्स. ये आपका पहला पड़ाव हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा. अब ये K का वैल्यू मैं हासिल करूंगा 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0089. Go for the division. So 0.693 divided by 0.0089 is equals to 77.86. This is your T1 half or your unit होगा दोस्तों minutes का. I think आपको एक very simple sum 2 marks 3 marks के अंदर पूछ सकते हैं. Thank you very much friends.